subscribe Black Magic Film Studios for 3 new videos every week. Click on the bell icon and never miss a video from Black Magic Film Studios. दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में खाते हैं, पर हमें ये पता नहीं होता कि इन्हें खाना हमारी जान भी ले सकता है। बादाम। ऐसा कहा जाता है कि रोज सुबह बादाम खाना हमारे दिमागी स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है, और ये बात कुछ हद तक सच भी है। पर बादाम दो तरह के होते हैं, एक मीठे बादाम और दूसरे कड़वे बादाम। जो बादाम हम दुकान से खरीदते हैं वो मीठे बादाम होते हैं, पर दूसरी तरफ अगर आप किसी जंगली पेड़ से बादाम तोड़कर खाने की कोशिश करते हैं और अगर वो बादाम कड़वा बादाम निकला तो आपकी जान भी जा सकती है, क्योंकि कड़वे बादाम में ग्लाइकोसाइड नामक एक विषारी तत्व होता है जो खाए जाने के बाद हाइड्रोजन साइनाइड में परिवर्तित हो जाता है, और हाइड्रोजन साइनाइड इतना जहरीला होता है कि कुछ ही पलों में आपकी जान चली जाएगी। आलू। चाहे समोसा हो या फ्रेंच फ्राइज, आलू को अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप किसी आलू को कुछ दिनों तक सूर्य प्रकाश या बहुत ठंडी या किसी गर्म जगह पर रख देते हैं तो उस आलू का रंग बदल कर अक्सर हरा हो जाता है, और हरे रंग के इस आलू के अंदर सोलानिन नाम का एक जहरीला तत्व बनने लगता है, और सोलानिन दरअसल एक न्यूरोटॉक्सिन है। सोलानिन को कम मात्रा में खाए जाने पर आपको उल्टियां और सिर दर्द की शिकायत हो सकती है, और ज्यादा मात्रा में खाए जाने पर आप पूरी तरह से पैरालाइज भी हो सकते हैं। और तो और, आलू पे बढ़ने वाले तने और पत्तों में भी ग्लाइकोल कोलॉइड्स नामक एक जहर होता है, और इसे खाए जाने पर आप बुरी तरह से बीमार पड़ सकते हैं और आपकी जान भी जा सकती है। राजमा। राजमा, जिसे किडनी बीन्स के नाम से भी जाना जाता है, राजमा के हर बीन के अंदर फाइटो हीमोग्लुटेनिन नामक एक विषारी तत्व होता है, और इसे खाए जाने के बाद आपकी हालत बुरी तरह से खराब हो सकती है, और आपको जोरदार पेट दर्द और उल्टियां भी हो सकती हैं, और ज्यादा मात्रा में खाए जाने पर आपकी जान भी जा सकती है। ये विषारी तत्व सिर्फ कच्चे राजमा में मौजूद होता है, और अच्छे से पकाए जाने पर ये नष्ट हो जाता है। टमाटर। करीबन 18वीं शताब्दी तक लोग टमाटर के पौधे को एक जहरीला पौधा मानते थे, और इससे लोग दूर ही रहते थे। और टमाटर, जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जिसे अक्सर कच्चा या पका के खाया जाता है, पर दोस्तों, टमाटर के पौधे का हरा दिखने वाला हर हिस्सा जहरीला होता है, जैसे कि पत्ते, तने और फल। और हरे रंग के इन हिस्सों में पाए जाते हैं अल्कलाइड टोमेटिन और सोलानिन नाम के विषारी तत्व, और इन विषारी तत्वों का सेवन ज्यादा मात्रा में किए जाने पर आपकी जान भी जा सकती है, और इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि हमेशा पके हुए लाल टमाटर ही खाएं। सेब। अंग्रेजी में एक मशहूर कहावत है, An apple a day keeps the doctor away। और अगर आप ये सुनकर एक पूरा सेब रोज खाने लगे तो आपकी जान को एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। दोस्तों, सेब खाना कोई बुरी बात नहीं है, पर सेब में मौजूद बीजों को आप बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि 6 से ज्यादा बीजों को खाने के बाद कुछ ही देर में आपकी मौत हो जाएगी। इसका कारण ये है कि जब इंसानी शरीर सेब के इन बीजों को पचाने की कोशिश करता है तो इस प्रक्रिया से हाइड्रोजन साइनाइड नाम का एक जहर पैदा हो जाता है, और साइनाइड ये तत्व इतना जहरीला होता है कि कुछ ही पलों में आपकी जान चली जाएगी। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देख लिया है तो इसे जरूर लाइक करें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें। और अगर आपको इस तरह के वीडियोज पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।